ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेट हो रहा है, अभी हमें डिनर करना है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब मैक्सिमम वीडियोस में आप यही लाइन सुनते होंगे, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख। अब आप हाल देखो यार, इस टाइम पे भूख नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। तो ये देखो मेरे प्यारे पतिदेव वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब हम खाना खाएंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा ना मतलब वीडियोस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि इनको वीडियो का काम भी करना पड़ता है, मेरी हेल्प भी करनी पड़ती है और मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती इस टाइम पे। प्लीज़ आप इसी तरीके से जैसे प्यार कर रहे हो सपोर्ट करते रहो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और सजेशन दो कि मैं क्या खाऊं ऐसे कि मुझे भूख ना लगे। वहाँ पर जाकर आराम से वीडियोस भी देख सकते हो। जहाँ तक बात है आपको कहा गया था कि वो प्रीव्यू आप लोग देख सकते हो, मैं कितना परेशान हूँ, कितना परेशान हूँ। और इनको देखो फोन पे बिजी है, पता नहीं किसके साथ बातें करते रहते, हेडफोन भी लगा के रखे। हमेशा सुनते हो कि मुझे भूख लगी है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमने कुछ ऑर्डर कर दिया है, जो भी किया है ऑर्डर, तो थोड़ी देर में आता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने आज क्या ऑर्डर किया है। और मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। अब मैं इनके साथ आई हूँ, इनको भूख लगी है, ठीक है, इनका मन है खाने का, तो इनके साथ थोड़ा सा तो मुझे भी खाना पड़ेगा ना, आपको पता ही है कंट्रोल नहीं होता इस टाइम पर। तो यहाँ परेशान तो देख सकते हैं, एक इंसान बहुत परेशान है यहाँ पे, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। और लास्ट करने जा रही हूँ, मैं बताऊँ तो मैं आई थिंक कोई 10 या 15 दिन पहले अपने बालों की अटके निकाली होगी, फिर हेड वॉश करके जुड़ा कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये आप देख सकते हो बाल, कि मैं इनकी ना अटके निकाल सकूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जुड़ा बना देती हूँ और कर देती हूँ। आज ये मुश्किल काम मैं सर से करवाने वाली हूँ, देखती हूँ कि वो ये कर सकते हैं या नहीं। अगर हमारी बेटी हुई तो सी एम की कौन करेगा, मैं तो करूँगी करूँगी, लेकिन उसके फादर को भी आनी चाहिए। तो चलिए अब मैं हेड वॉश करती हूँ, देखो मेरे बालों की हालत देखो, धागे तक फंसे, जैसे बाबा के बाल होते हैं ना, बाबाओं के उस तरीके के बाल हैं, ठीक है। अभी हेड वॉश करने जा रही हूँ, उसके बाद ये मुश्किल काम आजाशी सर से होगा, देखते हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके दिन, भूख लगी है यार मुझे, नहीं इसको इसको या ना ये इसको इसको देखो भूख नहीं लगी, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, जब कुछ भी कहता है ये डमरू। वेट हो रहा है, जल्दी से आओ ना यार, आपको भाई खुद ही भूख लगती है। चाय दो, ये रो रहा है ऐसे करके, चाय दो पापा, या रो रही है जो भी है। ओके, ये बालों का हाल देख सकते हो आप, ठीक है, पूरे बाबा जी वाले बाल हैं, ठीक है। मैं नहीं कह सकती मैंने कब से लगे, लास्ट टाइम इन्होंने कंघी की थी, ठीक है, तो उस दिन भी अच्छे अच्छे से नहीं निकाली थी। आज होने जा रहा है मेरे बालों का कंघी, देखो कितने ले आए। ओ ये वाली कॉम्बी यूज़ करना, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, एक पतली सी ब्लैक कॉम्बी चूज़ करना, वो भी लाओ पतली वाली। आप लोगों के सामने हाथ दिखा रहे हैं, नहीं यहाँ पे ब्लैक वाली, फिर आ जाओ करो इसी से, मान लो हार नहीं होगा, नहीं कर लूँ क्यों नहीं करूँगा, पता क्या मुझे को ड्रेड नहीं करना टूट जाते हैं, हाँ। इसलिए मैं हाथ से कर रहा हूँ, वो तो है, एक तो भलाई के लिए सोचो और ऊपर से अगर हार मान लो, भलाई का जमाना ही नहीं है, मतलब एक तो मैं वो अटकलें निकाल रहा हूँ जो अटकी हैं बुरी तरीके से, अटकलें नहीं होता है, वो भी होता है, क्या बोलेंगे यार इसको, ऐसे चक्कर मक्कर हो गया, चक्कर मक्कर वाह, मेरा नाम सही था। हाँ तो मतलब ऐसे हॉच पॉच कह सकते हो,
बालों को हॉच पॉच हो चुका है। ये बॉच पॉच है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, पता है? मेरे को भी। ये लड़कियां ही जानेंगी बेचारियां कितनी तकलीफ होती है। मेरे को ठीक है, टिंडी करा के भी चल जाओ। तो आप मुझे एक बार परमिशन दो, मैं बाल कटवा देती हूँ, छोटे छोटे बाल। मतलब 2 या 3 घंटे लगे तो मेरे बाल सेट हो गए अभी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी चेंज दिखेगा, ठीक है। अभी इनकी अटके निकल चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए। तो अभी यहाँ पे कोई और भी आया हुआ है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इनकी पेट पूजा हो रही है, ये सामने कुछ पेट पूजा कर रहे हैं। ओके दिन बाद में मिलती हूँ आपसे। आज मेरा मन किया, मतलब चलो देख लेते हैं, कुछ करते हैं ट्राई, रात को वीडियो बनाने का तो बना रहे हैं। वैसे भी नींद तो आ नहीं रही थी मेरे को, रोज नहीं आती है आपको 3-4 बजे तक नींद। चलो यहाँ पर। वैसे ये मतलब आजकल आपको नहीं लगता, लोगों को तो कमेंट में जरूर बताना कि एक नया तरीका क्या शॉपिंग करने का। जैसे पहले तो शॉप में भैया ये दिखाओ, ये वो करो, वो करो, मतलब वो बेचारा शॉपकीपर भी परेशान हो जाता था, सेल्समैन बोलो जो भी बोलो, मुझे तंग पड़ जाता। आजकल सिंपल से मैं पूरी शोरूम बोलो, मॉल बोलो, सब कुछ मोबाइल में खुला हुआ है, जाके रेट चेक करो, चीज़ चेक करो, कार्ट में ऐड करो, जो मर्जी करो। हालांकि मेरी आंखें देखकर डरा नहीं है, ये भूत नहीं होगा, इंसान ही होगा। ऑर्डर कर दो यार, मतलब क्या तरीका आ गया, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कहते हैं मोदी जी डिजिटल इंडिया वो ऐसे। यहाँ पर होता है पता है कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑनलाइन शॉपिंग की एक बड़ा अच्छा बहाना होता है लड़कियों के पास, ये रहता है कि जैसे कोई शॉपिंग साइट है वहाँ पर होता है कि इसमें डिलीवरी फ्री देखेगा आपको, 800 की चीज़ खरीदोगे तो ये मैम सब क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं 400-500 रुपये की चीज़ आ गई है तो बोलते हैं नहीं यार 800 की है, 800 रुपये की कोई चीज़ खरीदेंगे तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी, तो 500 का काम करते हैं, एक चीज़ और पसंद कर लेते हैं ताकि डिलीवरी फ्री हो जाए, तो वो एक और चीज़ जो ऐड करते हैं वो भी 500-600 की आती है, तो बिल बन जाता है 1,000-1,100 रुपये का जाके, तो मतलब वो 50-60 रुपये बचाने के पीछे 500-600 रुपये और लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ होता है हमारे साथ, क्या जस्टिस है हमारे साथ? लड़कियां तो फिलहाल जो कमेंट करेंगे वो तो उनको तो है, उनके फ़ायदे के काम है, लेकिन लड़के ज़रूर बताना क्या जस्टिस है आप हमारे साथ। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ बड़ा इंसिडेंट अभी घटा है यहाँ पर। जैसे आप कहते हो ना कि वो यार शोरूम 10 बजे बंद हो जाएगा, 11 बजे बंद हो जाएगा, पहले पहले जाना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट ट्रेंड गया, अभी कहा कि फ़ोन की बैटरी 13% रहेगी यार। फ़ोन की बैटरी 13% है, मैं क्या क्या देखूँगी यार, मतलब देखो टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है, सब कुछ कितना चेंज हो गया। अब शॉप का टाइम, शोरूम का टाइम है, फोन की बैटरी देखिए 13% बैटरी रहेगी यार, मैं कितना सर्च करूँगी, क्या करूँगी, मतलब दिल टूटे जा रहा, फास्ट फास्ट चीज़ सर्च हो रही है। तो भाई चलो टेक्नोलॉजी क्या कह सकते हैं, गुड नाइट इनकी तरह से, मेरी तरह से मैं सोचता हूँ। चलिए भाई, और मैं अपना अकाउंट नंबर सेंड करूँगा नीचे, तो वही डोनेशन करते रहना ताकि मेरा घर चलता रहे। बाय बाय।